आरोग्य जागृति। मराठवाड़े की राजधानी औरंगाबाद, 28 लाख की आबादी वाला यह शहर जैसा ही हिस्टोरिकल प्लेस होने के नाते जितना प्रसिद्ध है, उतना ही मेडिकल सुविधाओं के लिए राज्य में नहीं बल्कि देश में फेमस हो रहा है। मुंबई और पुणे जैसी सुविधाएं अब इस शहर में भी उपलब्ध है, और ये उपलब्धियां जिनके कारण बरकरार है वो है यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स। हर एक विभाग के, हर ब्रांच के एक से बढ़कर एक डॉक्टर यहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मरीजों के लिए ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर फरिश्तों से कम नहीं होता। ऐसे ही चंद फरिश्तों का सम्मान मराठी डेली दिव्य मराठी ने किया। एक बड़े समारोह में इन डॉक्टरों का सम्मान किया गया। उन्मेष टाकलकर, डॉक्टर टाकलकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मिले हुए पुरस्कारों की अगर गिनती करें तो उन्हें जो गोल्ड मेडल मिले हैं उसी की वजह से वो गोल्ड मैन कहलाते हैं। औरंगाबाद में सिग्मा हॉस्पिटल की गरिमा उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बनाई है। डॉक्टर शरद कोंडेकर, सामान्य परिवार से आए हुए डॉक्टर कोंडेकर आज एक अहम डॉक्टर हैं। अनेक शिविर लेके उन्होंने गरीबों की मुफ्त सेवा की है। अच्छे खासे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक, एक वक्ता है और एक जागरूक रीडर, इससे भी डॉक्टर कोंडेकर पहचाने जाते हैं। डॉक्टर शिवाजी पोले, आज के जमाने में डे केयर सर्जरी के मास्टर माने जाते हैं। नांदेड़ जिले के एक सामान्य किसान परिवार से आए डॉक्टर पोले पैरालिसिस और गैंग्रीन जैसे बीमारी का इलाज करने वाले भरोसेमंद डॉक्टर हैं। डॉक्टर पंडित पलस्कर, बड़े शहरों के पास रह के भी जिन्होंने अपना देहाती बना छोड़ा नहीं, ऐसे अजीब डॉक्टर पलस्कर हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर पलस्कर ने MD की परीक्षा में सुवर्ण पदक जीता था। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, डॉक्टर रिंकू पलस्कर, और डॉक्टर पंडित पलस्कर एक आदर्श दाम्पत्य है। डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल एक बड़े ही धनी फैमिली से हैं। उनके फैमिली के पास सिल्लोड़ तालुका के भंडारी गांव में 3000 एकड़ जमीन के मालिक हैं। फिर भी रुग्ण सेवा यही पूजा मानकर, बड़ापन छोड़कर डॉक्टर की और सेवा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव मुंदड़ा, बीड जिले के परली गांव के रहने वाले, मुंदड़ा छात्र थे, तब से ही एक होशियार स्टूडेंट के नाम से फेमस थे। उन्होंने आंखों की सर्जरी इस विषय में स्वर्ण पदक भी जीता है। उनको उनकी पत्नी डॉक्टर किरण मुंदड़ा का काफी सहयोग रहता है। डॉक्टर जीवन राजपूत, डॉक्टर राजपूत शहर के ऐसे न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने पेशेंट के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखकर 20% मरीजों की मुफ्त सेवा की है। आज तक उन्होंने 800 मरीजों की मुफ्त सर्जरी की है। डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े, डॉक्टर दहीफड़े मैडम ये एक मराठवाड़े की गरिमा है। ये ऐसी लेडी डॉक्टर है जिन्होंने मराठवाड़ा में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी है और मराठवाड़ा की पहली महिला प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर अशोक लांडगे, पैठण तालुका के पिंपलवाड़ी नाम के छोटे से गांव के रहने वाले डॉक्टर लांडगे अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने सिर्फ स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल नहीं की बल्कि वो सुपर स्पेशलिस्ट के नाम से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर विद्यानंद देशपांडे, दूध पीते बच्चों की मन से सेवा करने वाले डॉक्टर, ऐसी ख्याति डॉक्टर देशपांडे इन्होंने हासिल की है। सिर्फ 4 महीने में उन्होंने 100 से अधिक बच्चों पर सर्जरी करके उनकी जान बचाई है, यह एक विक्रम है। डॉक्टर IG पटेल, आयुर्वेदिक उपचार करने वाले पूरे शहर में एक ही हॉस्पिटल, वो भी 30 बेड का। इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को चलाने वाले, आयुर्वेद में महारत हासिल करने वाले डॉक्टर के नाम से डॉक्टर पटेल इनकी पहचान है। डॉक्टर नीलेश लोमटे, हार्मोन तज्ञ, ऐसी डिग्री पाने वाले डॉक्टर नीलेश लोमटे भी एक छोटा सा गाँव वाघाला, तालुका अंबाजोगाई, इस ग्रामीण इलाके से आए हैं। ये हार्मोन तज्ञ तो है ही, इसके अलावा राज्य में जाने माने डॉक्टरों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर लोमटे ये एक PhD डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर हैं, मतलब ये डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर अजीज कादरी, 1982 से औरंगाबाद शहर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर। अजीज कादरी साइकी विषय का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है और वो विद्यालय मरीजों की सेवा कर रहा है। वो अच्छे लेखक, नायाब वक्ता भी है। उनके परिवार में बेटा और बहू, बेटी और दामाद सभी साइकिस्ट्रिक हैं। डॉक्टर योगेश जाधव, विदाउट ऑपरेशन केवल होम्योपैथिक इलाज करके मरीजों को एहसास दिलाने वाले डॉक्टर, ऐसी प्रसिद्धि डॉक्टर जाधव इनको मिली है। इन्होंने बगैर सर्जरी किए नाजुक स्थिति के मरीजों को 100% ठीक किया है। डॉक्टर अभय पंडित, सर्जरी के बाद पहले मरीजों को दवाखाने में 8-8, 10-10 दिन रुकना पड़ता था, इससे बीमारी का खर्च बढ़ता था, मरीजों का वक्त ज्यादा जाता था। इस पर एक इलाज निकाला गया, किसी ऑपरेशन के लिए शरीर के अंग का बड़ा हिस्सा ऑपरेट के बजाय जरूरत से भी कम सुराख बनाकर ऑपरेशन करने का टेक्निक विकसित हुआ, उसे कहते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी।
इस पद्धति के मास्टर कहे जाने वाले डॉक्टर आभय पंडित, डॉक्टर परितोष जायसवाल ग्रामीण इलाके से आने के कारण डॉक्टर जायसवाल इनको ग्रामीण इलाके से विशेष स्नेह है। उसी के कारण उन्होंने सिल्लोड तालुका में बंजारा बस्ती, छोटे छोटे गांव बस्तियों में जाकर मुफ्त शिविर का आयोजन किया है। आज वे इंटेंसिविस्ट और मधुमेह बीमारी के तज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर मिलिंद खर्चे जैसे डॉक्टर औरंगाबाद शहर में हैं, यह शहर के लिए गर्व की बात है। ये वही खर्चे डॉक्टर हैं जिन्होंने मराठवाड़ा में सबसे पहली बार हाथों के नसों द्वारा एंजियोप्लास्टी सर्जरी करके एक रिकॉर्ड बनाया है। उनके जादुई हाथों ने केवल 28 दिन के शिशु की सर्जरी सक्सेस की है। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिन की सेवा के बाद उस शिशु को डिस्चार्ज भी दिलाया। आरोग्य जागृति की ओर से इन सभी डॉक्टर्स को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आरोग्य जागृति हमेशा डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एक जरिया रहा है। जैसे हॉस्पिटल की ओर से पेशेंट को दी जाने वाली सुविधाएं हो या सरकार की तरफ से देने वाली कोई योजनाएं हो, ये हर पेशेंट तक कैसे पहुंचाया जाए इसका प्रयास करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स पे पेशेंट के परिजनों के ओर से होने वाले हमलों के कारण डॉक्टर और पेशेंट के रिश्तों में दूरियां आने लगी है। इन्हीं दूरियों को और डॉक्टर्स पे होने वाले हमलों की वजह आरोग्य जागृति ने ढूंढने की कोशिश की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, और उन्हीं सारे तथ्यों को आरोग्य जागृति ने अनकट नाम के एक शॉर्ट फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की है। आइए हम सब डॉक्टर मिलके अनकट फिल्म के छोटे से ट्रेलर को देखते हैं। और हाँ, पूरी फिल्म देखना मत भूलिएगा। अरे तो समझाने का ना उसको, अरे कैसा बोल रहा हूँ। अरे तुमको मालूम तो भी है क्या उसका? बस ना, काय झालं सर? बसू तर नाही शकणार, ते थोडा झाला आहे। तुम एक काम करो, उसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ जाओ जरा, इस बेड पे लेट जाओ। उसके साथ कुछ कीटाणु तुम्हारे शरीर में घुस गए, मगर इसको नजरअंदाज मत करो, ये जानलेवा भी हो सकता है। आणि माझा जीव पण जाऊ शकतो। ओ, आता हे काय नवीनच काढला आता काय? पंट्या गोळ्या देख ना, एवढ्यासाठी ऑपरेशन सांगितलं तुम्हाला? देखिए, हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, इस केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है। रिधिमा, तुम वहाँ से बैग लाओ, ये ब्लीड्स लगाओ, तुम यहाँ से इमरजेंसी ट्रे करो फटाक से। ये सब पंपिंग सर। ब्लीड्स लगाओ जल्दी। यस सर। अरे ऐसा कैसा भाव गेला? ये भाव अभी तेरा है जिंदा। हार्ट अटैक आया कि लाया? ये शरीर के अंदर का पूरा वो मटेरियल जो होता है ना, इधर का वो बॉडी का एक एक पार्ट पूरा निकाल के साला बॉडी को सीसा के भूसा भर के दे दिया आदमी ने। अरे तो सगरा बहु आता का है? आता तू पाए ए पंट्या गोल्या इधर। अरे ए दीना, ए राज राज ऐकले में। अरे तू चले थांबो, अरे तू थांबले यार, अरे चले थांबो यार। अरे का बोलाव दे ए बचा मेरे नवली, इधर पीछे कान पट्टी नहीं, समझी ना? हां, ये सालों का कहा गया वो ऑपरेशन करेगा तेरी तो मैं। ए बोला वो, बोला ऑपरेशन के लिए वो बोला। सुने नहीं आता क्या? चूड़ी पहन ले तू, साले पड़ जा। ए डॉक्टर, इसकी तो मैं एक हो जा। अरे अरे प्लीज प्लीज बोलो, तेरे को फोड़ साले।